रश्मि शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस घेतात पाहूया। धन्यवाद। आज मैंने डीजीपी महाराष्ट्र का चार्ज लिया है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अफ्रेश विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। जो भी अच्छा काम हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि महाराष्ट्र पुलिस बल एक बहुत बड़ा पुलिस बल है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर पे कॉन्स्टेबल्स हैं। इनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा। महाराष्ट्र हरदम लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता रहा है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर उतना ही अच्छा रहे। महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी है। यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। महाराष्ट्र में हर महिला को अपने को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। इसके साथ एक नया चैलेंज आ रहा है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम में लोगों को अवेयर कराना और साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है, वो है कि हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट्स, उनको कैसे कम किया जा सके, लोगों में कैसे अवेयरनेस बढ़ाई जा सके और कैसे रोड्स को सेफ किया जा सके, इसके लिए मेरा प्रयास होगा। बाकी हम सब मिलके काम करेंगे। महाराष्ट्र पुलिस इज अ ग्रेट टीम एंड आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। दैट्स ऑल, थैंक यू। अभी मैंने चार्ज लिया, मैं अपने अधिकारियों से इस पर चर्चा करूंगी और उसके बाद बताऊंगी। आज तो जो हमारी प्रायोरिटीज है वो मैंने आपसे शेयर करी है और जो भी होगा आई विल बी इन टच विद यू ऑन डेली बेसिस। जी जनाब, मेरा यही गुजारिश है कि मेरे को वो कागज देखने दीजिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये मेरा प्रयास है और ये विश्वास है कि महाराष्ट्र पुलिस किसी के साथ भी अन्याय नहीं। सवाल ऐसा है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में राजनीतिक स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई है। ऐसे में बहुत सारे पॉलिटिकल वायलेंस क्राइम देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के बाद ही लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में हर जिले में कुछ इसी तरह की सिचुएशन है, तो कोई नई स्ट्रेटजी किस तरह से सारी पार्टियों से कोऑर्डिनेशन आप लोगों का रहेगा? देखिए, मैं वही कि आज अभी मैंने चार्ज लिया, अभी मैं चर्चा करूंगी क्या स्ट्रेटजी है। पॉजिटिव नोट से नया शुरू करेंगे। मेरे लिए महाराष्ट्र, 33 साल मैंने यहीं पे गुजारे हैं, 2 साल मैं बाहर रही, मैं वापस आई हूँ। जो मिस हुआ होगा उसको हम रिकैप करेंगे और ये प्रयास रहेगा कि इस पीरियड में आप लोगों को या जनता को कुछ ऐसा ना लगे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम है या किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। पूरा प्रयास होगा महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, साइबर पे उनको अवेयर कराना, जो कॉन्स्टेबल्स हैं उनके वेलफेयर का ध्यान रखना और कोई ऐसा प्रयास करना कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना। आई एम स्टार्टिंग अ फ्रेश विद अ पॉजिटिव नोट। लेट अस स्टार्ट न्यू ईयर विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। टुडे इज द फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर। हम लोग नया साल अच्छी बातों से, पॉजिटिविटी से शुरू करेंगे, ये मेरा विश्वास है और आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। नारकोटिक्स को लेकर जो सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है, उसका क्या रोल रहेगा, क्या उसको आप कंटिन्यू करेंगे, कैसे काम करेगी वो और किस तरीके से जिम्मेदारी? देखिए, नारकोटिक्स इज अ बिग मेनेस और महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। नारकोटिक्स के जो एनकॉर्ड होते हैं, ये स्टेट लेवल से लेकर जिला लेवल तक होते हैं, इनकी रेगुलर मीटिंग होगी और नारकोटिक्स में जो बच्चों को नशे की आदत पड़ रही है उसे दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जो भी पॉजिटिव स्टेप्स चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, हम उनको
पूरी ताकत से और आगे बढ़ाएंगे और ये मेरा प्रयास रहेगा कि महाराष्ट्र देश में नंबर एक की स्टेट रहे, जो सुरक्षित महाराष्ट्र में लोग हर व्यक्ति को अपना महसूस। धन्यवाद। But apart from that, we have witnessed that there are several pockets in Maharashtra, specifically in Thane, Padga is one of them, and in Pune we have seen Kondwa. In such a scenario, when people are being, carrying out terror activities out there, how will Maharashtra police, intensify their action to identify such people who are in fact trying to carry out anti-India activities? What would be the plan of action in fact? I will discuss this with DG ATS. So let me recap with him what DG ATS is doing. So I am available. Madam, just one question. Can you speak about cybercrime, how cybercrime is going to be your priority? Is there a plan? Yes, madam, there is a plan. We will discuss it sometime. Not today. Not today. We will discuss it, madam. Today I am only listing my priorities. Okay, this is going to be my priority. So we will discuss in length in coming days. As you mentioned, we had women security. As I am asking this question, you are the first government DGP of Maharashtra. More than 3 weeks back, a rape FIR was registered against Sanjay Jindal, one of the biggest top industrialists in DKC police station. Till date, the gentleman has not even called to record his statement. Nothing has happened. This is in a bad day, the whole of Maharashtra. A woman has been raped because of the FIR. Big shocking reading, but the police have not moved even one inch in that day. Is Sanjay Jindal above law? That's the question being asked by the people. I don't think anybody is above law. I will discuss this with CP Mumbai and I don't think anybody will be given any benefit. So nobody is above law. Law will be followed. Madam, कि महाराष्ट्र में पूरी तरह से नया साल है, नए सिरे से नया अच्छा काम सकारात्मक चीज होगा, कानून व्यवस्था पूरी तरह से मानी जाएगी। सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में, खासकर जब नई गवर्नमेंट बनी है, सरकार के कई मंत्री हैं, विधायक हैं, नए बड़े बड़े अधिकारी को झापड़ मार रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, कंप्लेंट होता है, FIR नहीं ली जाती है, FIR ली भी जाती है तो जो संबंधित धारा है वो नहीं लगाई जाती है, क्योंकि बड़े बाप का बेटा है, बड़े बड़े नेताओं के फोन जाते हैं पुलिस को, फिर आपको पुलिस का अधिकारी, एक महिला पुलिस अधिकारी अस्पताल में पहुंचती है पेपर लिखवाने के लिए, आपको कुछ और बोलना है, जबकि उसमें कुछ और चीजें लिखी गई थी, गाड़ी का रंग देखा था, ये चीज आपके कार्यकाल में नहीं होगा। देखिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे कोई भी एब्रेशंस ना हो, और अगर आपको लगता है तो फील फ्री टू सेंड मी अ मैसेज, मैं उसको इमीडिएटली उस पर कार्यवाही करूँ। मैडम, 2 साल के बाद में आप महाराष्ट्र में आएंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो घर है अपना, जिसमें जिंदगी के 33 साल गुजारे हैं जिस स्टेट में। सो हम लोग मिलते रहेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं, एंड वी विल वर्क टुगेदर फॉर अ सेफर एंड पीसफुल महाराष्ट्र। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।